बस तेरे अंजाम पे रोना मुझे आप अफसाना निगार की हैसियत से जानते हैं और अदालतें एक फोहश निगार की हैसियत से। हकूमत कभी मुझे कम्युनिस्ट कहती है और कभी मुल्क का बहुत बड़ा अदीब, कभी तो मेरे लिए रोजी के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं तो कभी खोल दिए जाते हैं। मैं पहले भी सोचता था और अब भी सोचता हूं कि मैं क्या हूं। इस इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान में मेरा मुकाम क्या है, क्या मसरफ है? आखिर मुसम्मी सादत हसन मंटो है कौन? सादत हसन मंटो? मैं नहीं जानती। मंटो पार्क का सुना है, लाहौर में यादगार। सादत हसन मंटो फहश निगार था, उसका कलम नंगे अदब था, उसके किरदार फहाशी पर मबनी थे। सादत हसन मंटो पता नहीं जी, साडे ते बहुत कुछ लिखिया ने। इस बाजार की औरत हले भी उंजी विकदी पई है। सादत हसन मंटो एक बेरहम हकीकत निगार है और इंसानी जिंदगी के गहरे निबास। मंटो में एक वक्त में काफिर और मोमिन दोनों नजर आते हैं। बड़े पैशनेट, वेरी अफेक्शनेट, बहुत ही प्यार करने वाले थे सबके साथ। हमारी एज की यहाँ पर और गरीब बच्चियां भी होती थी जो कि जब हम स्कूल से वापस आना उन्होंने भी होना हमारे साथ आते थे, तो आती होती थी कई, तो उनको भी बुला के उनको जो भी हमारे लिए तैयार किया होता था, जैसे कि अनार के बीज निकाल के रखे हुए हैं तो वो भी सब उनको भी देने, हमें भी देने, जो भी कुछ होता था वो उनको भी देते थे। प्यार बहुत करते थे सबसे। शोहरत मिली है वो तो उनकी अलहदा है ना, बट जो मेरे जहन में बात आती है उनके लिए वो ये है कि बड़े अनफॉर्चुनेट थे कि उन्होंने हमें बड़े होते हुए नहीं देखा, ना हमें कॉलेज जाते देखा, ना हमारे बच्चे देखे, ना हमारी शादी देखी उन्होंने। मुसव्वर के लिए हर हफ्ते 5-6 सफ़ों के मजामीन लिखना और फिर दिल्ली, लाहौर, लखनऊ रेडियो स्टेशनों को गाहे गाहे ड्रामे भेजते रहना ताकि आमदन का तसलसल कायम रहे। अब आप गौर फरमाइए कि मेरी दिमागी हालत कैसी होगी। सही अर्ज करता हूँ कि पिछले दिनों जब काम ज्यादा था तो निवाला उठाते वक्त ये महसूस होता था कि अभी इसको कागज पर घिसाना शुरू कर दूंगा। अरे मंटो साहब, हम क्या नहीं जानता है, तुम अमृतसर का है, कश्मीरी हो, अखबार में काम करता है। वो बिस्मिल्ला होटल वाले का 10 रुपया 15 आने देना है तूने, इसीलिए तुम उधर से जाता नहीं है मंटो साहब। अक्सर ये होता था कि वहां पे जो थड़े होते हैं लक्ष्मी मेंशन के वहां बैठे होते थे, जरा रात जब ढल जाती मंटो साहब आते थे। मंटो साहब के बारे में कहा जाता है कि भाई 25 रुपए उनको एक अफसाने के मिलते थे, 10 रुपए से वो एक खास मशरूब खरीदते थे, 5 रुपए टांगे वाले को देते थे, सालम टांगा लेते थे, अदरवाइज तो ठंडी में भी आ सकते थे लेकिन पिछली निश्चित पर बैठे होते हमेशा, 10 रुपए आपस भैया को देते थे। ये नॉर्मल रूटीन उन जमानों की। और कभी वो एब्यूसिव नहीं हुए, कभी जो होता है ना कि एक खास खुमार का जो रेफरेंस होता है, हमने तो उनमें नहीं पाया, मतलब हम बच्चे थे, इसके बावजूद उनसे हमारी दोस्ती रही, रगबत रही। और वो हमेशा थोड़ा सा, जब हमें उनको सहारे की ज़रूरत तो नहीं होती थी, हम ऐसे ही उनको सहारा देते थे कि चलिए हम आपको छोड़ आते, तो हमेशा वो कहते थे कि मुस्तनसर बड़ा अच्छा बच्चा। कहते हैं कि जब मैं पैदा हुई थी तो हमारी नानी ने आके कहा था अब्बा जान को कि लैवे सादत दूसरी ती हुई है, त
तो अब्बे जान इस तरह देख के ना कहते हैं कि खाला जान साढ़े घर हुई है तो तुम तहू की हो रहा कि भी मतलब दूसरी धी हुई है। तो नानी मेरी फिर चुप हो गई। फिर जब तीसरी आई तो नानी हमारी चुप थी, तो अब्बे जान ने जाकर उनको कहा खाला जान क्यों जी ऐत के बारे तुम कुछ नहीं किया। तो कहने के तू पिछली दफा नाराज जो हो गया सहस वास्ते, मैं क्या मैं तेन कुछ नहीं कहना। कहते नहीं खाला जान ऐत की बारी कुछ मैंने लगता ज्यादती हुई है। मैंने कहा मंटू साहब ये जो आप पीते हैं हर वक्त पी रहे हैं हर वक्त पी रहे हैं, तो आपको कोई लिहाज नहीं अपनी बेगम और आपकी नहीं अपनी बेटियों का, बेटा तो है नहीं आपके, बेटियां बेटियां। कहने लगे हेमंत देव कासमी मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है अपने जमीर की मस्जिद का पेश इमाम मुकर्रर ने किया। मैं समझता हूं उनसे बड़ा नबाज कोई नहीं था जो बहुत ही आसानी के साथ एक बड़े दुख को एक बड़े अलमिये को कहानी के क्राफ्ट में ला सकता था। मिंटो साहब को जो एक प्रैक्टिस थी या एक जिंदगी के एक नुक्ते से दायरा बनाने की जो उनमें अहलियत थी वो शायद किसी अफसाना निगार को नसीब नहीं हुई। मंटो बिलाशुबा एक अजीम अफसाना निगार थे। अगर आलम अदब में उर्दू अदब का कोई भी अफसाना निगार कोई मुकाम हासिल कर सकता है तो वो मंटो हैं। उन्होंने ये ज़रूर है कि इतने बहुत से अफसाने लिखे कि जिनमें काफ़ी अफसाने ऐसे भी थे कि जो मेयारी नहीं थे जो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उनके जो अजीम अफसाने हैं वो मेरे ख्याल में दुनिया के किसी भी अदब के किसी भी शाहकार के मुकाबले में रखे जा सकते हैं। शॉर्ट स्टोरी जिस जमालियाती कुल को बनाने के लिए पैदा हुई थी, मंटो के यहाँ वो जमालियाती कुल बगैर किसी जोड़ के मुकम्मल होता है।